स्टूडेंट्स, माय नेम इज सनी फ्रॉम ज्ञान गुरु। ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। ज्ञान गुरु में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो है मैथ्स पर और आज का टॉपिक है हाउ टू सो रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरी अगली वीडियो से अपडेट रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हाउ टू सो रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो आपको तो पता ही होगा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें रेशनल नंबर तीन प्रकार के पढ़ने होंगे, लाइक, अनलाइक एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन नोट कर लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तीनों के। लाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो जैसे कुछ है, थ्री एंड फाइव है, थ्री अपन फाइव एंड सिक्स अपन सेवन अनलाइक में आ गया। इसी को हम ले सकते हैं फाइव बाय थ्री। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं एट बाय फाइव। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है टू वन बाय सिक्स। इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, इन दोनों को गुना करके वन ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिक्स इंटू टू ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन बाय सिक्स। तो आपको तो पता ही है रेशनल नंबर इतने प्रकार के होते हैं। मेनली ऐसे रेशनल नंबर बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली तीन। तो हमें करना है नंबर लाइन पर शो करना है। तो इसे इसके लिए हम पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन बना देते हैं कुछ। हम नंबर ले लेते हैं, मिडिल में हम जीरो लेते हैं, जीरो लेफ्ट साइड में वन, माइनस में नेगेटिव में चला जाता है। और हम इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, वन है टू एंड माइनस थ्री, इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं। अब पॉजिटिव हमें लेना है, पॉजिटिव राइट साइड में होता है इसलिए राइट साइड में ले लेते हैं। तो राइट साइड में वन, इक्वल डिस्टेंस पे टू एंड थ्री। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन सा फ्रैक्शन हमें करना है। तो ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं सिक्स बाई नाइन। सिक्स बाई नाइन को हम ये सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। तो मतलब इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा टू बाई थ्री। टू बाई थ्री कर लेते हैं और कर लेते हैं फाइव बाई थ्री। कुछ टू इज टू थ्री बाई फोर। फोर में फाइव बाई सेवन। इससे हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, इसको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो ये तो हमें है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हमेशा जीरो और वन के बीच में ही शो करना होता है। तो टू बाई थ्री है, इसको जीरो बाई वन के बीच में शो करना होता है। क्यों, अब क्यों करना होता है इसके लिए जानिए। टू बाई थ्री इसको हम अगर डेसिमल फॉर्म में लाएँ तो आ सकता है जीरो पॉइंट कुछ आएगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, जीरो से ये बड़ा होगा और वन से ये छोटा होगा। सॉरी, वन से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, वन से छोटा होगा, इसलिए जीरो और वन के बीच में ही आएगा। जीरो और वन के बीच में ही आएगा तो इसलिए हम जीरो और वन के बीच में करते हैं। तो टू बाई थ्री है, इसको हमें जीरो और वन के बीच में करना है। तो इस पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर हमारा है थ्री, तो इसको हमें थ्री इक्वल पार्ट्स में बांट देना है। तो बांट देंगे, इसके लिए हमें टू लाइंस खींचना पड़ेगा, वन एंड टू। तो ये थ्री पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो गया है, वन टू थ्री। और हमें न्यूमरेटर देखना है टू, तो वन टू। तो ये वाला हम नोट कर लेंगे, यही हो जाएगा हमारा टू बाई थ्री, यही हमारा हो जाएगा टू बाई थ्री। अब हमें करना है फाइव बाई थ्री। फाइव बाई थ्री के लिए अलग नंबर लाइन ले लेते हैं, ये मिडिल में जीरो, और फिर जैसा हम लिए थे वैसा ही कर लेते हैं। तो वन टू इक्वल डिस्टेंस पर थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इधर ज़्यादा हो गया माइनस फोर। तो हमें आता है फाइव बाई थ्री। ये है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जीरो और वन के बीच में किसके बीच में होगा ये हमें पता नहीं चल पाता है। इसके लिए हमें पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो अनलाइक फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको तो पता ही होगा।
थ्री को हम डिवाइड देते हैं, इधर कोशेंट इधर आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है एंड डिनोमेटर यहीं पर रहता है, मतलब डिविज़र। तो ये आ गया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है वन है, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टू बाय थ्री, मतलब ये वन से बड़ा होगा और टू से छोटा ही होगा, ये जो है टू से छोटा ही होगा। अगर टू के इक्वल रहता या फिर टू से बड़ा रहता, टू के इक्वल रहता तो हम डायरेक्ट टू लिख सकते थे, टू से बड़ा रहता तो यहाँ पे हमें टू लिखना पड़ता। तो ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये वन और टू के बीच में ही रहेगा, तो वन है तो वन और टू के बीच में ले लेंगे, वन से बड़ा टू से छोटा है, तो ये तो हमें पता चल गया वन और टू के बीच में लेंगे। अब ये हमें कैसे इस पर डिनोट करना है अब लेते हैं। तो हमें यहाँ पर टू बाय थ्री, डिनोमिनेटर हमारा थ्री है, सेम वहीं पर काम करेंगे, तो वन टू थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, न्यूमरेटर हमारा टू है, वन टू यही हमारा हो गया, ये क्या हो गया वन इज टू टू बाई थ्री जो किसके इक्वल है फाइव बाई थ्री, तो ये हमारा यहीं पे डिनोट हो जाएगा। अब हमें करना है टू इज टू थ्री बाई फोर, तो इसमें भी वही काम करना है जहाँ यही यहाँ पे किए थे, इसके लिए अलग नंबर लाइन ले लेते हैं, मिडिल में जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो यहाँ पर है टू इज़ टू थ्री बाई फोर, कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमें टू और थ्री के बीच में करना है, अब क्यों करना है यहाँ पे आपको पता चला गया होगा। तो डिनोमिनेटर हमारा फोर है, हमें करना है इसको शो करना है, डिनोमिनेटर फोर है, फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर डिवाइड हो गया है। अब हमें आ रहा है न्यूमरेटर थ्री, तो वन टू थ्री काउंट कर लेंगे, यही हमारा हो जाएगा टू इज टू थ्री बाई फोर, यही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं फाइव बाई सेवन, ये है हमारा लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन ईजी है करना, जीरो और वन के बीच में करना है, तो नंबर लाइन इसके लिए ले लेंगे, थ्री इधर में माइनस वन में चला जाएगा, माइनस टू, माइनस थ्री, तो फिर हमारा है फाइव बाई सेवन, इसको हमें इस पर नंबर लाइन पे शो करना है। तो जीरो वन के बीच में ही रहेगा हमेशा, सेवन है डिनोमिनेटर तो इसलिए सेवन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसके लिए हमें सिक्स लाइन खींचना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया सेवन पार्ट्स में डिवाइड। अब फाइव नंबर लेना, वन टू थ्री फोर फाइव, यही हमारा हो जाएगा, सॉरी फाइव बाई सेवन यहीं पे हो जाएगा। तो हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है हम सीख चुके हैं, तो आप ऐसे ही करिए। और तो अब हम नेगेटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे निकालना सीखेंगे, तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, पेज फिनिश हो गया है, नेक्स्ट पेज आते हैं, तो हम एक और नंबर लाइन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया एक नंबर लाइन, मिडिल में जीरो ही होता है, राइट साइड है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, वन टू थ्री, इस साइड में नेगेटिव, इक्वल डिस्टेंस पे, आप इस स्केल से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन आप स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव रेशनल नंबर को इस पर शो करने के वाले हैं, इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट हम लाइक फ्रैक्शन ले लेते हैं, टू बाई सेवन, तो टू बाई सेवन हमेशा जीरो और वन के बीच में आता है, हमें नेगेटिव रेशनल नंबर लेना है, इसलिए ये हमेशा जीरो और माइनस वन के बीच में ही आएगा ये रेशनल नंबर। तो हम डिनोमिनेटर हमारा सेवन है, इसलिए हम सेवन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हम कर लिए हैं सेवन पार्ट्स में डिवाइड, हमारा न्यूमरेटर है टू, माइनस टू है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इधर से हम लेंगे वन टू, ये हमारा हो जाएगा माइनस टू बाई सेवन। नेगेटिव रेशनल नंबर में हम इस साइड से काउंट करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट, और पॉजिटिव के लिए लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन का, तो फाइव बाई थ्री ले लेते हैं, इसको हमें माइनस फाइव बाई थ्री, इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन ले लेते हैं, मिडिल में जीरो, इधर माइनस वन, इक्वल डिस्टेंस पर टू
थ्री माइनस वन टू थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री है। और फिर इसको हमें ये अनलाइक फ्रैक्शन है इसलिए हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको तो बदलना आता ही होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो फिर हम माइनस में हमारा तो हम कर लेंगे, ये वन है तो हमेशा वन और टू के बीच में ही आएगा। तो टू हमारा डिनोमिनेटर थ्री है इसलिए थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वन टू, वन टू थ्री, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है हमारा है, टू डिनोमिनेटर है वन टू, इधर से काउंट करेंगे इसलिए हमारा हो जाएगा फाइव बाई थ्री माइनस। अब हम लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं, टू इज टू, टू बाय फाइव, मिडिल में ज़ीरो, राइट साइड में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव। तो हमारा ये माइनस में है तो टू और थ्री के बीच में आएगा, आपको पता है वन टू थ्री फोर, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर फाइव है इसलिए हम फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। और न्यूमरेटर टू है, वन टू काउंट कर लेंगे, यही हमारा हो जाएगा माइनस टू इज टू, टू बाई फाइव। तो आपको हम सीख चुके हैं कैसे लाइफ फ्रैक्शन को हम इस पे नंबर लाइन पे नोट कर सकते हैं।